नमस्कार, सीएमएन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं कनिका। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के मोगा की, जहां केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर मुलाजिम विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूरों मुलाजिमों की मांगों को लेकर जिला इंटक ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जाहिर कर रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी भी की। जिला इंटक के नाल संबंधित जिला भर दिया जिन्नियां भी ट्रेड यूनियन हैगियां उन्हां वालों एक बहुत ही इतिहासिक ते लामिसाल जिहड़ी है रोस मार्च शहर विच दी कढ़ी जा रही है। ये मजदूरां ते मुलाजमां दीआं मंगां नूं लैके कढ़ी जा रही है ते सेंटर दी मोदी सरकार दी जो मजदूर मुलाजम विरोधी नीतियां हैगियां उहदे खिलाफ़ कढ़ी जा रही है। हिंदुस्तान दीआं जिहड़ियां प्रमुख राष्ट्र पद्धर दीआं जथेबंदियां इंटक समेत उन्होंने सारिआं ने 8 ते 9 जनवरी नूं हिंदुस्तान भर दे विच मजदूरां मुलाजमां वल्लों हड़ताल जिहड़ी आ करन दा सद्दा दित्ता सीगा। अज उस दा दूजा दिन हैगा वै। अज 9 जनवरी नूं जिला इंटक वल्लों जिहड़ा उन्हां दीआं जथेबंदियां वल्लों बहुत ही विशाल जिहड़ा मेरा ख्याल इस शहर दा इतिहासिक इकट्ठ अज दा होऊगा। जिहड़े लोग इत्थों दे वेखणगे इन्ना रोष है सेंटर दी मोदी सरकार दे विरुद्ध साडे मजदूरां नूं साडे मुलाजमां नूं। असीं इह साडी मुख मंग हैगी है कि देश भर का जिहड़ा भी मजदूर है चाहे वह जिहड़ा जिहनूं गैर हुनरमंद कहिंदे हैगे है उहदी घट्टो घट्ट अज दे जिहड़े युग दे विच 18,000 रुपया महीना तनखा उहनूं मिलनी चाहीदी है। जिहड़े ठेके दे उत्ते लाउंदे है उहनां दा शोषण करदे है मजदूरां दा, ठेके ते जदों मर्जी हटा दिंदे है। साडी मंग है साडे इत्थे नैसले दे विच भी ठेके दे विच मजदूर लगे है भी उह ठेका सिस्टम जिहड़ा खत्म कीता जावे सदा लई और पक्के इत्थे जिहड़े मजदूर लाए जाण। असीं इह वी गल कहिंदे हां कि जिहड़ा कुल बजट है देश दा उहदा 6% जिहड़ा वा हिस्सा वा उह सिहत सहूलतां दे उत्ते और 6% जिहड़ा एजुकेशन दे उत्ते उह खर्च कीता जाणा चाहीदा तां कि देश दे हर व्यक्ति नूं गरीब नूं मजदूर नूं जिहड़ा सिहत सहूलतां मुफ्त मिलण एजुकेशन जिहड़ी है मुफ्त मिले और दूसरी हर मजदूर नूं जिहड़ा देश दे है उहनूं जिहड़ी समाजिक सुरक्षा मिलनी चाहीदी है। समाजिक सुरक्षा दा मतलब है उहनूं नौकरी पक्की मिलनी चाहीदी है, कम पक्का मिलना चाहीदा और उस दे पेंशन जिहड़ी है हर व्यक्ति नूं जिहड़ा वा जिहड़ा देश दा मजदूर है गरीब है वह हरेक नूं जिहड़ी है पेंशन जिहड़ी है मिलनी चाहीदी हैगी है। जे 2 दिनां दी जिहड़ी इह है राष्ट्र पद्धर दी हड़ताल है सारे देश दे विच और पंजाब दे विच 40 लाख तों वध जिहड़ा मजदूर है मुलाजम है उन्होंने हिस्सा लिता है इस हड़ताल दे विच इस रोष दे विच। जे नहीं होंदी तां जिहड़ी हिंदुस्तान दीआं 11 ट्रेड यूनियनां हैगियां जिहड़ियां राष्ट्र पद्धर दी जिहदे च एटक भी है, HMS भी है, C2 भी है और इंटक भी है। इंटक दे साडे राष्ट्र दे जिहड़े प्रधान हैगे आ डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी उह सारियां राष्ट्र दीआं 11 ट्रेड यूनियन जिहड़ी इक प्लेटफॉर्म ते आईआं उहनां दे उह कन्वीनर हैगे आ। पंजाब दे विच साडे प्रधान डॉक्टर सुभाष शर्मा जी जलंधर तों उह कंट्रोल कर रहे आ सारे पंजाब नूं ते बहुत ही इन्हां 'च उत्साह भी अपनियां मंगां दे लई इकट्ठे होए आ मजदूर मुलाजम और सरकार सेंटर दी गवर्नमेंट दे विरुद्ध बहुत वड्डा जिहड़ा वा रोष है इन्हां दे विच जिहनूं उह रोष कढ़न लई उहदा मुजाहरा करन लई उह सरकार नूं विखाउण लई भी सरकार दे विरुद्ध किन्ना रोष है मजदूरां मुलाजमां 'च उहदा अज जिहड़ा नज़ारा है तुसीं इत्थे वेख रहे हैं इस शहर दे विच। इहदा बड़ा जे नहीं मंगा मनियां जांदियां 2019 दे चुनाव आउंदे आ इहदा मतलब मैं समझदा वी पुछण वाली गल नहीं हुंदी। जे जिहड़ी सरकार है उह मौजूदा सरकार है अगर उह मजदूरां मुलाजमां दी नहीं मंगां पूरियां करदियां ते कुदरती तौर ते है कि मजदूरां मुलाजमां कोले उह सरकार दा विरोध करन तों सिवाए होर कोई चारा नहीं हैगा गा ते असीं विरोध करांगे उह सरकार दा जे साडियां मंगां नहीं मनदी उह सरकार तों लैणा की हैगा वै। और सरकार गरीबी ते गरीब दे नाम दे उत्ते इलैक्शन लड़दी हैगी है ते गरीबी ते गरीब जिहड़ा वा उहनूं वधा रही हैगी है। और मैं इह गल कहिंदा भी जिहड़ा मोदी दी सरकार है जां मोदी साहब खुद है प्रधानमंत्री उह जिहड़े गरीबां दीआं गल्लां करदे आ उह केवल मगरमच्छ दे आंसू भौंदे आ उहदा नाटक करदे हैगे आ। एक बार फिर से बात करते हैं मोगा की, जहां ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सड़कों पर वाहन खड़े करना मना है लेकिन फिर लोग अपने वाहनों को सड़क पर खड़ा कर रहे हैं जिससे हर समय शहर में जाम की समस्या बनी रहती है।
ऐसा नहीं है कि शहर में पार्किंग की व्यवस्था सुचारू नहीं है, यहाँ पर 6 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था है लेकिन कोई भी वाहन वहां पर नहीं खड़ा करता, जिसके चलते लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि शहर में कई स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है लेकिन कोई भी वहां वाहन चालक उपयोग उसे नहीं करता। हम दिन में बहुत से लोगों के चालान भी काटते हैं पर जनता पर इस बात का कोई असर नहीं है। वहीं दुकानदारों और राहगीरों का भी यही कहना है कि वाहन चालक अपने वाहनों को ठीक से पार्क नहीं करते, जिसके चलते पूरा दिन शहर समस्या से जूझता है। ट्रैफिक नूं कंट्रोल कर रही हैं, करते भी हैं, पब्लिक जिहड़ी आ उह गड्डियां जिहड़ियां दुकानां दे विच समान लै जाण लग्गिया उह विच छड़क ते ला जांदे आ, उहनां नूं असीं कहिंदे आ कि इहनूं पार्किंग दे विच लाओ, पर कोई भी अख नहीं लगदा पार्किंग दे विच नहीं लाओ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੋ, ਅੰਡਰਏਜ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸਾਵਧਾਨ ਚਲਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਚਲਾਨ ਦੀ? ਚਲਾਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 40-50 ਕਰਦੇ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖੜੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਧਰ ਆ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਧਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਡੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੈ। मोगा में आज पंच प्यारों की अगुवाई में एक नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शहर वासियों ने भाग लिया। ये नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री गुरसर पातशाही 6वीं बुकनवाला रोड से शुरू होकर शहर के अलग अलग बाजारों से होता हुआ वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। प्रीतम सिंह चीमा, जनरल सकत्तर, लोकल गुरपुरब कमेटी मोगा। ये दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के पावन पवित्र आगमन दिहाड़े के संबंध में यह नगर कीर्तन गुरुद्वारा गुरुसर पातशाह 6वीं बुकनवाला रोड मोगा तो आरंभ किया गया। अरदास करन उपरंत पंज प्यारां दी अगवाई दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सरप्रस्ती हेठ यह नगर कीर्तन भारी संगतां सोसायटियां संस्थावां दे सहयोग नाल ग्रीनफील्ड कलोनी तो हुंदा होया टेक सिंह पार्क, गुरद्वारा डेरा बाबा मल सिंह, सब पुरानी सब्जी मंडी अते उतों हुंदे होया मेन बाजार विच दी वापस इसे गुरस्थान विखे नगर कीर्तन की समाप्ति होवेगी। हरियाणा के भिवानी की बात करते हैं, जहां पर 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल का खासा असर देखने को मिला। हड़ताल क्या हुई, शहर की काया ही पलट गई। भिवानी में 2 दिन की हड़ताल ने स्वच्छता अभियान को ग्रहण लगा दिया है। 2 दिन से हड़ताल और पीछे रहे शनिवार और रविवार को भी शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई थी और अब 2 दिन की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। लगातार कई दिनों से शहर में कई जगहों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिस पर नगर परिषद और जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। शहर की कई बस्तियों के अलावा शहर के मुख्य मार्गों और अंदरूनी कॉलोनियों में जगह जगह कूड़ा ही कूड़ा दिख रहा है। इस मामले में नगर परिषद उप प्रधान मामन चंद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पिछले संडे होने और 2 दिन की हड़ताल के कारण शहर में गंदगी अधिक फैली है।
नगर परिषद लगातार स्वच्छता के लिए काम कर रही है। शहर में स्वच्छता के लिए दीवारों पर संदेश भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कूड़े के उठान पर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर बोलते हुए कहा कि समय समय पर इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो नगर परिषद सख्त कार्यवाही करता है। बहरहाल शहर में इतनी गंदगी हो गई है कि लोगों को निकलने में काफी परेशानी हो रही है। अब देखना ही होगा कि पहले की तरह शहर कब तक चमकेगा। टीम सीएमएन। हमारे आदमी बीमार चल रहे हैं और यहाँ की गंदगी के कारण मक्खी मच्छर बहुत रहता है और मेरा रहन सहन भी ऊपर ही है। हम बहुत परेशान है, कृपा करके इस गंदगी का खुद प्रबंध कर दीजिए। नए कोई ग्राहक आते हैं ना कोई गंदगी उठाता है, जमादार काम पर नहीं आते हैं। क्या नाम है? कृपा करके इसका समाधान कीजिए। नाम क्या आपका? सरोज बाला। तो आपने सरोज पहले शिकायत किया कभी? नहीं, मैंने कभी शिकायत एमसी को की थी, नरेंद्र को। वो बोला मेरे बस का काम नहीं है। मामन को भी कहा था, मामन ने भी कोई वो इंजाम नहीं किया इसका। इस गंदगी से तो मेरे आदमी को मिर्गी के दौरे आते हैं। इस गंदगी से मेरे आदमी को दौरे आते हैं और बीमारी बढ़ती है। मकान छोड़ के कहाँ जाऊँ मैं? हम कहाँ पर जाएं दुकान छोड़ के, मकान छोड़ के? हाँ जी, गंदगी स्वच्छ भारत हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है जो इस तरह पूरा हो रहा है। आपके सामने गंदगी जीना दुभर हो गया है। लोग बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, गली में नहीं जा सकते, गंदगी से बीमारियां फैली हुई है। और बताओ क्या बताओ? कितने दिनों से यहाँ पर? ये तो जन्म जन्मांतर हो गया जिसका पता ही नहीं। कितने साल हो गए? पूछो दिनों से 10-12 साल तो मेरे को देखते हो गया। इसके जी हमने नगर परिषद में भी इसके लिए गुहार लगाई कि गंदगी आना है पड़े, लेकिन उसका भी कोई सुनवाई नहीं होती। क्या नाम आपका? मेरा नाम नीरज है। अगली खबर का रुख करते हैं, बेहद दुखद खबर है ये, चरखी दादरी से, जहां डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में अंडर 14 और 16 में नेशनल गोल्ड जीतने वाली महिला खिलाड़ी को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। हादसे में खिलाड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा दादरी भिवानी रोड पर SCR स्कूल के पास हुआ है। खिलाड़ी बाइक पर सवार होकर प्रैक्टिस के लिए दादरी की ओर आई थी। सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए दादरी के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवाकर कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि गांव पैंतावास कला की नेशनल खिलाड़ी एकता अपनी बाइक पर सवार होकर दादरी के SCR स्कूल में डिस्कस थ्रो की प्रैक्टिस करने आ रही थी। जैसी वो स्कूल के पास पहुंची, सामने से तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खिलाड़ी काफी ऊंचाई तक उछलते हुए कार के नीचे आ गई। इस हादसे में खिलाड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि खिलाड़ी की मौत के बाद पूरे गांव में गमगीन माहौल है। टीम CMN। एक अभी सूचना प्राप्त हुई थी, अभी एक लड़की बाइक पर पैतावास की थी जो प्रैक्टिस करने के लिए स्कूल में आती थी, SCRB स्कूल में, तो उसका और वो अपनी बाइक पर आ रही थी तो उसी के सामने एक गाड़ी दूसरी आई थी जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई है, जिस पर कार्रवाई जारी है। ड्राइवर गाड़ी को छोड़ करके भाग गया। जिन्हें हले और की लड़की थी एकता, डॉक्टर राजेश कुमार, पैतावास कला, नेशनल लेवल की मेडलिस्ट, 2-3 बार नेशनल मेडल आया, गोल्ड मेडल भी आया, BSC फाइनल की लड़की थी। बहुत होनहार लड़की थी, प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में शाम को रोजाना बच्चे आते हैं, प्रैक्टिस के लिए आई थी, अचानक आवाज़ सुनी हम भाग के आए। मैं तो देख भी नहीं सका, सब हालत हो गया। डिस्कस थ्रो करती थी, 14 की नेशनल मेडलिस्ट थी, 16 में मेडल था नेशनल में। कौन से स्कूल में पढ़ती थी? बिरोड गवर्नमेंट कॉलेज, BSC फाइनल पढ़ती थी। हरियाणा सरकार और पुलिस महानिदेशक हरियाणा बलजीत सिंह संधू के आदेशानुसार जज्जर पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन श्रीमान चलाया है। SP पंकज नैन ने जिले के सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को जनता के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। खाकी की जनता से की जाने वाली बेअदबी का समय अब बीते जमाने की बात बन जाएगा। सूबे के पुलिस प्रमुख की योजना अगर सही साबित हो गई तो लोगों के लिए खौफ का पर्याय बनी खाकी आम जन को श्रीमान जी कहकर संबोधित करती नजर आएगी। जनता से इज्जत से पेश आने वाले पुलिसकर्मियों का बकायदा सम्मान भी देने की बात विभाग कह रहा है। समय अवधि बीतने के बाद भी क्या पुलिस इस आदत को अपने व्यवहार में ढाल पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। प्रदेश के पुलिस प्रमुख BS संधू ने 31 जनवरी तक ऑपरेशन श्रीमान चलाने के आदेश जारी किए हैं।
झज्जर में बीते बुधवार को इसका श्री गणेश किया गया। इसके लिए पुलिस लाइन में बकायदा एसपी पंकज नैन ने जिले के सभी थाना और चौकियों के प्रभारियों को हिदायत दी। ऑपरेशन श्रीमान के अनुसार कोई भी पुलिस वाला अब आम जन से श्रीमान कहकर ही बात करेगा। लोगों के साथ सम्मान से बात करने के पीछे जनता और पुलिस के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण को पैदा कराना माना जा रहा है। पुलिसिया भाषा के कारण आज आम आदमी पुलिस के नाम से भी डर जाता है। इसको नुकसान जनता के अलावा पुलिस को भी उठाना पड़ता है। इसी को लेकर इस अभियान की शुरुआत की गई। अब इस अभियान का धरातल पर कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। टीम सीएमएल के बारे में क्या निर्देश देंगे? ऑपरेशन श्रीमान हमारी पुलिस के जितने कर्मचारी जितने अधिकारी हैं उनका पब्लिक से बिहेवियर ठीक हो उसी को लेकर किया गया था। और इसमें जितनी पब्लिक डीलिंग की पोस्ट है उनकी ट्रेनिंग भी है, आज भी उनकी ट्रेनिंग की करवाई है और आगे भी इस तरीके की ट्रेनिंग चलेगी। मुख्य उद्देश्य ये है कि पुलिस का हर एक कर्मचारी आमजन से ठीक तरीके से पेश हो। लखनऊ में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी है। ताजा मामला चंदन नगर का है जहां बेखौफ बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी को कई राउंड फायरिंग करते हुए गोलियों से भून डाला और मौके से फरार हो गए। आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लखनऊ में एक बार फिर बदमाशों ने खुलेआम व्यापारी की हत्या कर पुलिस को चुनौती दे दी है और मौके से फरार हो गए। बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जब वो अपनी दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी में था। तभी दो पैदल आए बदमाशों ने व्यापारी के ऊपर कई राउंड फायरिंग किए और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। व्यापारी को उपचार के लिए आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही पुलिस इस हत्या की वारदात को पुरानी रंजिश से जोड़ रही है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बहरहाल एक बार फिर बदमाशों ने राजधानी में इस वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है। टीम सीएमएन। सर, आलमबाग में घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? ये यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, अमनप्रीत इनका नाम है और जैसा कि जो वहाँ पे चश्मदीद हैं उन्होंने बताया था कि अपनी दुकान बंद कर रहे थे तभी ये यहाँ पर जो एक हमलावर जो वहाँ पर आए इन्होंने इन पर गोलियाँ चलाई और उसके बाद अस्पताल इनको ले जाया गया। सभी लोग मौके पर पहुँचे जहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया उपचार थोड़ी देर उपचार के बाद। इस पूरे मामले में घर वालों ने कुछ लोगों पर संदेह जाहिर किया है जिसके क्रम में पुलिस की टीमें जो हैं धरपकड़ कर रही हैं और जैसा कि जो वहाँ पर कुछ और इनके पहचानने वाले लोग थे इनका कुछ लेन देन का मामला बताया जा रहा है जिसके क्रम में जो फोर्स है उसमें कई टीमें लगी हुई हैं और धरपकड़ हमारी जारी है और टीमों को निर्देशित कर दिया गया है कि शीघ्र इसका अनावरण करें और अपराधियों को जेल भेजें। भैया, एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, क्या है पूरा मामला, किस तरह से गोली मार गई, कितनी गोलियां मारी गई? जो सूचना मिली हम लोग को कि एक हमारे व्यापारी को, अमन व्यापारी है आलमबाग का, चंदन नगर मार्केट का जहाँ आप लोग खड़े हैं उसको गोली मार दी गई है। तो हम लोग थोड़ी देर बाद लगभग 11 बजे हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग उसके घटना के यहाँ पे पहुँचे तो जिस तरीके से पता चला और जिस तरीके से इतनी देर में हम लोग को व्यापारियों से बातचीत करने में पता चला कि बस व्यापारी ने अपनी दुकान बंद की, दुकान बंद करके बस यहाँ बुलेट स्टार्ट कर रहा था। जो बुलेट स्टार्ट करते थे सुबह बुलेट खड़ी होती तो थोड़ा सा उसको ठंड के कारण रेस उसने ली तो उसी समय तत्काल तुरंत जो है यहाँ पर गोली चली और एक नहीं 7-8 गोली चली जो कहना है लोगों का और कई पुलिस वाले भी बता रहे हैं कि 6-7 खोखे मिले हैं। और उस व्यापारी को गोली मारी गई, उस व्यापारी को गोली मारने के बाद गोली मारने वाला चला गया, वो इस जगह जहां आप खड़े हैं ठीक यहीं पर वो गिरा, फिर उसको लोग बंधु और ट्रामा सेंटर ले जाया गया और अब उसकी पोजीशन क्रिटिकल भी है और भी कोई दुख भरी खबर आ रही है लेकिन जब तक वो पुख्ता ना हो जाए तब तक हम लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन लखनऊ व्यापार मंडल के महामंत्री होने के नाते मैं बहुत ही संवेदना प्रकट करता हूं और मैं बिल्कुल साफ कहता हूं ये प्रशासन के लिए चुनौती है, इस चुनौती को प्रशासन को स्वीकार करके उस मुजरिमों को सही है कि जो है कई राउंड गोलियां चली हैं और इस तरह से लगातार जो है गुसाईगंज क्षेत्र में लगातार कई मामले लगातार 2-3 दिन के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं तो इस पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कितनी लापरवाही नजर? देखिए, बहुत बहुत घोरी बिल्कुल निंदा है और घोरी निंदा के साथ लापरवाही है। अभी आलमबाग क्षेत्र में ही हमारे ये संदीप कांत राजन जी खड़े हैं, ये यहाँ के अध्यक्ष हैं, इनके यहाँ चोरी हुई 20 लाख की, आप लोग ने बहुत उसको दिखाया, इनके महामंत्री के यहाँ चोरी हुई, इनके कोषाध्यक्ष के यहाँ चोरी हुई और आज इस तरीके की घटना हो गई और ठीक भरे बाजार में
जहाँ पर ये हरा भरा बाजार रहता है, रात को 11 बजे तक भी यहाँ पर सब परिवार के लोग रहते हैं। पंजाबी सिंधी समाज यहाँ पर बहुत तादाद में रहता है और इस भरे बाजार में घटना हो गई है और जो दो तीन दिन से यहाँ पर स्थितियाँ चल रही हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल पुलिस की चुनौती दी जा रही है। अपराधी बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं, पुलिस को इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपराधियों को अंजाम तक पहुँचाना पड़ेगा, नहीं तो लखनऊ व्यापार मंडल कल सड़कों पर बैठने का काम करेगा। सर, आला अधिकारी कुछ बात हुई, कितने गिरफ्तारी के लिए क्या क्या टीमें लगाई है, कितनी जल्दी गिरफ्तारी के आश्वासन दिया आप लोगों को? आला अधिकारी मौके पर भी आए थे, ADG साहब थे, DIG साहब थे, कप्तान साहब थे, सारे लोग थे। उन्होंने कई लोगों को पकड़ा भी है, कई लोगों को उन्होंने पकड़ा है, कई लोगों से बातचीत भी चल रही है और उन्होंने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी इस घटना को खोल के रखेंगे और अपराधियों को सजा दिलाएंगे। लेकिन मेरा फिर से विरोध है कि जिस तरीके से भरे बाजार में इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये कतई व्यापारी के लिए बर्दाश्त नहीं की, क्योंकि व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था और जब वो दुकान बंद करके अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहता था, उसका एक छोटा बच्चा है, उसके पिताजी हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं और उसकी बीवी है, और अब वो घर जा रहा था, उसके घर भी पीछे है और यहाँ पर उसके साथ उसकी हत्या करने की। क्या नाम है आपका? मैं पवन मनोचा हूँ, महामंत्री लखनऊ व्यापार मंडल।